Good morning students, welcome to the economics class. In the previous class we were doing cost and revenues. Okay, hope everything is clear to you. In this class today I'm going to start the new chapter. The chapter is market, rather forms of markets. So what do you mean by a market? In simple language, if I talk about market, it's a place where we go to buy things, where there are so many shops, the goods are available for price and we buy it. But in economics, it is not a physical place. It is any reason, any situation where buyers and sellers come into contact for buying and selling, rather dealing in goods and services. So if I talk about market is like a nervous system ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ. इसकी इंपॉर्टेंस की बात चल रही है कि मार्केट जो है ना वो एक नर्वस सिस्टम है. अगर मार्केट नहीं होगी तो हम प्रोडक्ट्स को नहीं ले पाएंगे, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूसर बेच नहीं पाएंगे, सेलर्स बेच नहीं पाएंगे, सप्लाई नहीं हो पाएगी, हम डिमांड नहीं कर पाएंगे, कंज्यूमर प्रोडक्ट ले नहीं पाएंगे. इसका मतलब पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं दे विल कम टू अ हॉल्ट, वो सब रुक जाएगा. सो एक नर्वस सिस्टम का काम यही है बॉडी के अंदर, है ना, कि किस तरह से हमें वो मूवमेंट देता है, किस तरह से वो हमें लाइफ देता है. द सेम वे मार्केट गिव्स लाइफ टू द इकोनॉमिक्स. ओके, तो बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मार्केट की. मार्केट इज अ सिचुएशन वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर इन कॉन्टैक्ट. अब ये बायर्स एंड सेलर्स जरूरी नहीं कि किसी प्लेस में जाके कॉन्टैक्ट में आएंगे. आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, इसमें इंटरनेट के थ्रू, है ना, ऑनलाइन अपने ऐप्स के थ्रू लोग कांटेक्ट में आते हैं. ओके, सो दे कम इनटू कांटेक्ट. मेजर थिंग इज कि बायर्स और सेलर्स दोनों कांटेक्ट में हैं, दोनों आपस में बात चल रही है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. सो बिल्कुल क्लियर हो गया कि मार्केट के लिए बायर्स एंड सेलर्स का होना जरूरी है, उनका आपस में कॉन्टैक्ट होना जरूरी है और उनका एक डीलिंग पर एग्री होना जरूरी है कि वो पर्टिकुलर प्राइस पे, पर्टिकुलर टाइम पे कोई प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने वाले हैं. ओके, सो यहां पर क्लियर हो गया, गुड सर्विसेज हो गई, बाइंग एंड सेलिंग हो गई और वो पर्टिकुलर रीजन हो गया, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो एक प्लेस पे हो. ओके, होप मार्केट की डेफिनेशन क्लियर है. अब वैसे तो मार्केट बहुत तरह की होती है, कुछ कम्पिटिटिव होती है, कुछ नॉन कम्पिटिटिव होती है, लेकिन हमारे कोर्स में अभी फिलहाल सिर्फ एक मार्केट है जिसको हमने स्टडी करना है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक परफेक्ट एग्जांपल है डिमांड फोर्स का और सप्लाई फोर्स का. ओके, ये ऐसी मार्केट है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में बायर्स और बहुत बड़ी मात्रा में सेलर्स होते हैं और वो सब लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट के लिए डील कर रहे होते हैं. होमोजीनियस मतलब सिमिलर इन नेचर, सिमिलर इन पैकेजिंग, सिमिलर इन क्वालिटी, मीन्स एक जैसे प्रोडक्ट के लिए डील हो रही होती है. आप किसी एग्रो मार्केट में चले जाएंगे जहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो वहाँ एक ही तरह के सारे टमाटर होंगे, एक ही तरह के आलू होंगे, एक ही तरह के प्याज होंगे. तो वो जो होमोजीनियस प्रोडक्ट है वहाँ वो सेल हो रहा है. आप किसी होलसेल मार्केट में चले जाएंगे तो वहाँ एक ही तरह के प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं, अब तरह तरह के शॉप्स में. अब ऐसी मार्केट को हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. होलसेल मार्केट हो गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केट हो गई एग्जाम्पल के तौर पर. तो क्या क्या फीचर्स हैं इस मार्केट में, आइए बात कर लेते हैं. जैसे मैंने कहा कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट और यूनिफॉर्म प्राइस, ये तीन तो फीचर्स मेन हो ही गए, इनको भी लेंगे. पहला लेते हैं वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. परफेक्ट कंडीशन मार्केट में बायर्स और सेलर्स की कोई लिमिट नहीं है, बहुत लार्ज. आप सदर बाजार चले जाएं, चांदनी चौक चले जाएं तो कोई संख्या ही नहीं है. किसी किसी दिन तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं बायर्स, इतने ज़्यादा सेलर्स हो जाते हैं कि कोई लिमिट नहीं है, राइट. ऐसी मार्केट में क्या होता है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, किसी एक सेलर की प्राइस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होती. इसका मतलब ये हो जाएगा ऐसी फर्म्स को प्राइस जो है ना वो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे बनाना पड़ेगा, कि जैसा जैसा प्रोडक्ट का प्राइस है, जैसी जैसी उसकी सप्लाई है, सॉरी जैसी उसकी डिमांड है, जैसी सप्लाई है, जहां पे वो कोलाइड करेगी वो मार्केट प्राइस बन जाएगा. ओके, होमोजीनियस प्रोडक्ट. अब ऐसी मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है मतलब सिमिलर नेचर, सिमिलर क्वालिटी, सिमिलर स्टाइल, सिमिलर स्टैंडर्ड,
जब भी ऐसा प्रोडक्ट कोई होता है मार्केट में तो हमारी फर्म जो है वो प्राइस टेकर बन जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए एक ही प्रोडक्ट बिक रहा है, मान लीजिए मैंने बात की टमाटर की, तो हर सेलर के पास टमाटर है। अब वो टमाटर में अगर एक बंदे ने कुछ पैसे कम किए तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्राइस कंपटीशन शुरू हो जाएगा, तो फिर नुकसान सेलर का ही होने वाला है। इसीलिए ऐसा कंपटीशन वहां होता नहीं है। हमेशा से क्या होता है, वहां पर डिमांड और सप्लाई के बेस पे एक यू नो प्राइस बन जाता है। इसीलिए यहाँ की फर्म्स जो होती हैं, यहाँ के सेलर प्राइस टेकर होते हैं, वो प्राइस बना बनाया मिलता है उनको, मॉर्निंग में उसी प्राइस पे वो सेलिंग करना शुरू करते हैं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं लाते वो। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स। यहाँ पर जो भी फर्म्स है ना, वो किसी भी समय एंटर कर सकती हैं, किसी भी समय एग्जिट कर सकती हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब ये जो है ये बहुत बड़ी बात है। सपोज कुछ फर्म्स वहाँ काम कर रही थी और वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना उन्होंने शुरू कर दिया, नॉर्मल प्रॉफिट में भी उनको अच्छा मार्जिन मिल रहा था, लेकिन जैसे ये चीज़ मार्केट में फैलती है तो कुछ नई फर्म्स एंटर कर जाती हैं। अब नई फर्म्स एंटर करती हैं तो वो उसी प्रॉफिट को शेयर करती हैं। इसका मतलब हर हालत में जब भी फ्रीडम होगी एंट्री और एग्जिट की, वहाँ नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जाएगा, फर्म्स ज़्यादा मार्जिन पर काम करेंगी नहीं, उनकी वॉल्यूम ऑफ सेल तो बहुत होगी लेकिन मार्जिन बहुत छोटा सा होगा। लास्ट, नॉलेज ऑफ मार्केट। ऐसी मार्केट्स में ना तो बायर्स के पास नॉलेज की कोई कमी है, ना सेलर्स के पास नॉलेज की कोई कमी है। मींस जो भी आता है मार्केट में वो परफेक्ट नॉलेज लेके आता है। ऐसे में कोई किसी को बेवकूफ़ बना दे, किसी को एक्सप्लॉइट कर सके, ऐसा हो नहीं सकता। ना सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रोड्यूसर उसे बेवकूफ़ बना सकता है, ना बायर की कोई उसे सेलर पर बेवकूफ़ बना सकता है, सभी को परफेक्ट नॉलेज होती है। ओके, सो नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर्स। लास्ट पॉइंट आता है डिमांड का। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि ऐसी मार्केट में जो प्राइस है वो स्टेबल है, प्राइस चेंज नहीं होता, तो जो डिमांड कर्व है इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि प्राइस सेम है, डिमांड की वेरिएशन वही होनी है बस, राइट? तो डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर? तो यहां पर हमने सीख लिया कि मार्केट क्या होती है। मार्केट इज अ सिचुएशन वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम इन टू कॉन्टेक्ट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। फिर हमने समझा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डील इन होमोजीनियस मीन्स सिमिलर प्रोडक्ट्स एट अ यूनिफॉर्म प्राइस। ये मेन उसके फीचर्स हो गए। उन्हीं फीचर्स को हमने अगले स्टडी किया, हमने वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स जिससे कि प्राइस टेकर बन जाती है फर्म हमारी, फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स, फर्म कभी भी एंट्री कभी भी एग्जिट कर सकती है, और उसके बाद नॉलेज ऑफ द मार्केट टू ऑल द कंज्यूमर्स, देन द डिमांड का। होप आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप उससे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। आई विल मेक इट क्लियर। थैंक यू।